नमस्ते दोस्तों, आज हम महान कर्मयोगी माननीय एकनाथ जी रानाडे का पुण्य स्मरण करेंगे। माननीय एकनाथ जी ने इस देश के युवाओं को, इस देश के नागरिकों को अविस्मरणीय सौगात दी है। वह अविस्मरणीय सौगात है विवेकानंद शिला स्मारक, जो कि कन्याकुमारी में समुद्र के भीतर स्थित है, और स्वामी विवेकानंद के विचारों के वाहक के रूप में एक जीवंत स्मारक विवेकानंद केंद्र, जिसका मुख्यालय कन्याकुमारी में है। माननीय एकनाथ जी रानाडे ने उस शिला पर, जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रात ध्यान किया था, और उस ध्यान के माध्यम से भारत का कैसे रूपांतरण हो, भारत जो गुलामी में पड़ा है, आत्महीनता के बोध से ग्रस्त है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में डूबा हुआ है, कैसे पुनः उस भारत को जागृत किया जाए जो शाश्वत है, जो सदैव विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला रहा है, एक गुरु की भूमिका में रहा है विश्व में, और आर्थिक रूप से भी एक समृद्ध महाशक्ति रहा है वो भारत। आज उसकी जो पद दलित अवस्था है, उस अवस्था से निकालने के लिए स्वामी विवेकानंद ने श्रीपाद पराई शिला पर जो 3 दिन का ध्यान किया था, उससे उनको एक दृष्टि प्राप्त हुई थी, और उसी शिला पर स्वामी विवेकानंद की स्मृति में एक भव्य शिला स्मारक बनाने का निर्माण स्वामी जी की जन्म शताब्दी वर्ष 1963 में माननीय एकनाथ रानाडे जी के दृढ़ संकल्प से प्रारंभ हुआ, और 1970 में वो अद्भुत शिला स्मारक, जो आज भारत में पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और आप सबको जानकारी ही है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी शिला स्मारक पर जाकर 3 दिन ध्यान किया था, और उन्होंने अभी भारत के भविष्य को कैसे उज्ज्वल बनाएं, उस पर चिंतन मनन किया था, स्वामी विवेकानंद के उस बोध को समझने का प्रयास किया था, और वह शिला स्मारक, उसके प्रणेता, उसके पीछे की जो जीवंत शक्ति है, वह है माननीय एकनाथ जी रानाडे। माननीय एकनाथ जी रानाडे ने बहुत विषम परिस्थितियों में उस महान शिला स्मारक का निर्माण किया, वो अपने आप में एक गाथा है। और उस शिला स्मारक के निर्माण के बाद, विवेकानंद शिला स्मारक के निर्माण के बाद, उन्हें लगा कि स्वामी विवेकानंद का एक पाषाण में शिला स्मारक तो बन गया, लेकिन विवेकानंद के विचार तो जीवन को बदल देने वाले विचार हैं, इसलिए उनके लिए एक जीवंत स्मारक बनाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने विवेकानंद केंद्र नामक संगठन गठित किया, जिसमें अपने पूरे जीवन को समर्पित करने वाले जीवन व्रती कैडर की स्थापना की गई, और जो पूरे देश में विभिन्न माध्यमों से भारत के उत्थान के कार्य में रत है, युवाओं के बीच, विद्यार्थियों के बीच, तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से विवेकानंद केंद्र आज भी माननीय एकनाथ जी के उस संकल्प को पूर्ण कर रहा है। माननीय एकनाथ जी के जीवन पर हम दृष्टि डालें तो उनकी दूर दृष्टि से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आप सोचिए कि 1970 में योग को जन सामान्य जानता भी नहीं था, योग नाम से भी बहुत अधिक स्पष्टता उसको नहीं थी। योग मठों में, आश्रमों में, यह बहुत ही अभिजात वर्ग में ही प्रचलित था। माननीय एकनाथ जी ने योग को विवेकानंद केंद्र का कोर बनाया, और पूरे देश में योग शिविरों के माध्यम से योग क्या है, योग की सही अवधारणा, वैज्ञानिक अवधारणा क्या है, योग कैसे मन को, शरीर को, प्राण को, बुद्धि को, भावनाओं को विकसित करता है, संतुलित करता है, उनमें समन्वय स्थापित करता है, ये बात जन सामान्य तक विवेकानंद केंद्र के माध्यम से माननीय एकनाथ जी ने पहुंचाई, और उसकी चरम परिणति होती है जब भारत के प्रधानमंत्री योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में आग्रह करते हैं कि एक वैश्विक योग दिवस हो, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में योग पहुंचे और हर नागरिक को, हर मनुष्य को योग का लाभ मिले, क्योंकि एक योग एक जीवन पद्धति है। तो माननीय एकनाथ जी के की उस दूरदृष्टि का आज लाभ विश्व के 200 देश ले रहे हैं। जब हम माननीय एकनाथ जी के कार्य करने के तौर तरीकों पर नजर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें विलक्षण आत्मसंयम था, प्रेरित करने की बहुत गहन शक्ति उनके अंदर थी, बातों को समझने की और समस्याओं के निराकरण की जो अद्भुत क्षमता माननीय एकनाथ जी में थी, वे आज भी हमको प्रेरित करती हैं। मैं कुछ प्रसंग, कुछ उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूँ। माननीय एकनाथ जी विवेकानंद शिला स्मारक का कार्य लेने से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरकारवाह थे। माननीय एकनाथ जी जब अधिकारी प्रवास में किसी शाखा पर थे, तो विशाखा में सुबह जाया करते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि उस शाखा में गण शिक्षक के द्वारा खेल के दौरान एक स्वयं सेवक को आउट कर दिया गया, आउट करार दिया गया, लेकिन वो स्वयं सेवक जिनका नाम शंकर शास्त्री था वो इस बात से सहमत नहीं थे, तो वे गण शिक्षक से प्रतिवाद करने लगे और बात थोड़ी बढ़ने लगी। तभी माननीय एकनाथ जी जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने जाकर शंकर शास्त्री की पीठ पर हाथ रख के थोड़ा थपथपाया और कहा कि जब गण शिक्षक ने तुम्हें आउट दे दिया है तो जो अनुशासन है उसके तहत तुम उसे स्वीकार कर लो। जब माननीय एकनाथ जी ने कहा तो शंकर शास्त्री ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन मन में कहीं एक ग्लानी एक पीड़ा रह गई कि मैं ही सही था, तो गण शिक्षक ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने शाखा में आना बंद कर दिया। 4-5 दिन लगातार नहीं आए और ये बात माननीय एकनाथ जी की तीक्ष्ण दृष्टि से छिपी नहीं रही और वे उस स्वयंसेवक के घर गए और वहां जाकर उन्होंने शंकर शास्त्री से जो बात कही उसने शंकर शास्त्री के जीवन को बदल दिया। माननीय एकनाथ जी ने कहा कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटे मान अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए, स्वयं सेवक का लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है तो ये छोटे व्यक्तिगत मान अपमान से हमें ऊपर उठना होगा। और ये बात शंकर शास्त्री के हृदय में इतनी गहराई से प्रविष्ट हुई कि शंकर शास्त्री उसके बाद प्रचारक निकल गए, वे प्रचारक बने। और दूसरा संस्मरण भी उन्हीं से संबंधित मैं आपको सुना देता हूँ कि जब शंकर शास्त्री जिला प्रचारक थे चेन्नई में, तो माननीय एकनाथ जी सर कार्यवाहक की हैसियत से वहाँ प्रवास पर गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो एक बैठक आयोजित की गई थी सभी वरिष्ठ और स्वयंसेवकों की, पदाधिकारियों की, दायित्वधारी व्यक्तियों की, तो वहाँ उन्होंने देखा कि 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुपस्थित हैं, क्योंकि माननीय एकनाथ जी वहाँ निरंतर आते जाते रहते थे और उनको वो सारी जानकारियाँ थी कार्यकर्ताओं के विषय में। तो जब उन्होंने बाद में शंकर शास्त्री जी से पूछा कि वो 2 स्वयंसेवक क्यों नहीं आए, तो शंकर शास्त्री जी ने उन्हें बड़े दुखी मन से बताया कि उनमें से एक की बच्ची की शादी थी और उसके पास धन का अभाव था, तो मैंने दूसरा स्वयंसेवक जो कि संपन्न था उससे आग्रह किया कि इनको आप कुछ उधार दे दो जिससे इनकी बच्ची की शादी निवट जाए, और उन्होंने उधार दिया। बच्ची की शादी होने पर उस स्वयंसेवक ने उधार नहीं लौटाया जिससे दोनों में विद्वेष हुआ, और मैंने भी जिसने उधार लिया था उसको बारम्बार कहा कि तुम उधार लौटाओ, तो उसने आना बंद कर दिया, और जिसको जिससे मैंने उधार दिलवाया था वो नाराज होकर उसने आना बंद कर दिया। तो माननीय एकनाथ जी ने बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि जीवन वृत्ति को या प्रचारक को इस तरह के सांसारिक और व्यक्तिगत कार्यों में नहीं उलझना चाहिए। और उसका समाधान जो उन्होंने किया बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा, उन्होंने शंकर शास्त्री जी को उनके जो दायित्व था जिला प्रचारक का उससे मुक्त किया, और ऑर्गेनाइजर जो पत्रिका संघ की निकलती है उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का दायित्व चेन्नई में उनको दिया, और वो कहा कि इसका जो कमीशन आएगा उस कमीशन से उस व्यक्ति का जो उधार है उसने दिया है वो आप धन लौटाइए। जब ये कार्य शंकर शास्त्री जी ने करना प्रारंभ किया और दोनों स्वयंसेवकों को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो वे भी पुनः वापस शाखा में आने लगे। शंकर शास्त्री जी को भी एक बहुत गहरी सीख इससे प्राप्त हुई। माननीय एकनाथ जी के जीवन से उनकी समस्या समाधान की जो क्षमता थी उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। किस तरह से उन्होंने इस प्रकरण में सबको संतुष्ट कर दिया, समस्या भी समाप्त हो गई और सारे लोग अपने अपने कार्य में उसी तरह से लगे रहे। एक उदाहरण और दूंगा मैं आपको, एक प्रसंग और सुनाता हूँ कि जब कन्याकुमारी में शिला स्मारक बना तो वहाँ शिला स्मारक तक जाने के लिए समुद्र में बोट चलाने की व्यवस्था की गई, तो बोट के लिए NOC लेने के लिए, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए कोचीन में जाना पड़ता है। तो जब वहाँ जाने की बात हुई तो माननीय एकनाथ जी स्वयं गए और पूरे पेपर्स को साथ लेकर गए। जब वहाँ जो फिटनेस ऑफिसर था जिसे फिटनेस देनी थी बोट की, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उसने उसमें कुछ कमियाँ बताई, तो माननीय एकनाथ जी से कहा कि इसमें ये कमियाँ हैं, इन्हें आप पूरी करके ले आइएगा। तो साथ में जो कोचिंग के अन्य शुभचिंतक माननीय एकनाथ जी के साथ गए थे, उन्होंने माननीय एकनाथ जी से कहा कि हमें ऐसी खबर है कि ये फिटनेस अधिकारी जो है ये घूसखोर है, ये पैसे चाहता है इसलिए इसने आपको लौटाया है, और आपका समय इतना कीमती है फिर भी इसने आपको दोबारा आने के लिए कहा है। लेकिन माननीय एकनाथ जी ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो वापस जाते हैं, जब दोबारा आते हैं तो पूरे कागज करके लाए। तब भी उस फिटनेस अधिकारी ने पुनः उसमें कुछ त्रुटियां निकाल दी, तो जो साथी साथ में थे उन्होंने कहा देखिए हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि ये इस व्यक्ति को कुछ घूस चाहिए इसलिए आपको परेशान कर रहा है, लेकिन माननीय एकनाथ जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पुनः वापस जब कन्याकुमारी गए और फिर जब उनका कुछ समय बाद आगमन हुआ कोचीन, तो उस अधिकारी ने सारे सर्टिफिकेट चेक करके NOC दी, और देते वक्त उसने जो कहा वो सुनने लायक है। उसने कहा कि माननीय एकनाथ जी मैं भी संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, आपको बार बार आने के लिए कहने पर मुझे बहुत पीड़ा हुई है, लेकिन मैं चाहता था कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों जिससे मेरे यहाँ से चले जाने के बाद कोई दूसरा अधिकारी
इस फिटनेस सर्टिफिकेट को निरस्त ना कर सके। जब माननीय एकनाथ जी से उसने कहा तो माननीय एकनाथ जी ने मुस्कुराकर अपने साथियों को देखा कि इतनी जल्दी हमें किसी व्यक्ति पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए। माननीय एकनाथ जी का जीवन अद्भुत था, उनके प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से आज विवेकानंद केंद्र अद्भुत कार्य कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ट्राइबल एरियाज में 80 से अधिक विद्यालय कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लाखों विद्यार्थी अपने जीवन को एक दिशा दे पा रहे हैं और जीवन में एक उच्च मुकाम को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसी तरह से अंडमान निकोबार जैसे स्थान पर 12 विवेकानंद केंद्र विद्यालय चल रहे हैं। पूरे देश में 200 से अधिक शाखाओं के माध्यम से योग वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, संस्कार वर्ग, केंद्र वर्ग इत्यादि केंद्र पद्धतियों के माध्यम से मनुष्य निर्माण का कार्य चल रहा है और उसके माध्यम से राष्ट्र निर्माण का सतत कार्य चल रहा है। माननीय एकनाथ जी की प्रेरणा से आनंदालय जैसा प्रकल्प भी अब देश में जगह जगह चल रहा है, जहाँ गरीब विद्यार्थियों को जो स्कूली शिक्षा स्वयं ले नहीं सकते हैं या लेते हैं तो उनको जो ट्यूशन इत्यादि की आवश्यकता होती है वो उनको सहज रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है, तो आनंदालय के माध्यम से वह कार्य भी विवेकानंद केंद्र कर रहा है।